हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि एक शिकायत आई थी आप लोगों की तरफ से। उस शिकायत को दूर कर देते हैं। श्वेता का जब इंटरव्यू लिया था सब यही कह रहे थे आप इतना क्यों बोल रहे हैं, आप चुप रहिए। तो इस इंटरव्यू में मैं चुप हूं और आशीष आपको सब कुछ बताएंगे। एक्चुअली आशीष ने 154 रैंक सिक्योर किया है जो एक बड़ी बात है, और असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एक बहुत ही बेहतर पोस्ट है। तो कुछ नहीं, सीधा आशीष से बात करते हैं। और एक और बात, ये जूम पे मीटिंग हुई है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा है। आशीष अभी इंदौर में है, तो पटना में नहीं है और बिहार में भी नहीं है, तब भी हम लोग सोशल में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सरकार का नॉर्म्स है, उसको पूरा करना है। और लेकिन लेट नहीं हो, आपके पास सजेशन चला जाए, जो जो बेचैनी है वो सारे सवाल पूछ लिए गए हैं, आप लोग उनसे उनकी बात सुन लीजिए। हेलो। हाँ, अभी आ गए, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। अरे आ गई जी सर। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। स्माइल अच्छा लग रहा है ना सक्सेस होने के बाद। यस सर। चलो, क्या कौन सा पोस्ट मिला है पहले हमको ये बताओ। सर मेरा रैंक आया है 154। हाँ। और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। पता है ना, बहुत अच्छी पोस्ट है जी सर, अभी आपने बताया तो पता चल गया पोस्ट का बहुत ही अच्छा है वो। और आशीष, अब जी सर, आशीष अमन अब तो सक्सेस कर गए। अब वो जो भीड़ थी ना, वहां से तो अब अलग आ गए ना। तो जब भीड़ से अलग आ गए, तो भीड़ से अलग आने के दौरान कितना स्ट्रेस झेलना पड़ा, ये स्टूडेंट को पता चलना चाहिए ना। जी सर। सर प्रिपरेशन में काफी स्ट्रेस तो रहता ही है क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस रहते हैं। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस रहता है वो प्रीलिम्स के फेज में ही रहता है क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन उसी फेज में रहता है। फिर उसके बाद मेंस का फेज इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, कि आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और इंटरव्यू तो प्रेजेंटेशन ही है, मतलब आप अपने आप को किस तरीके से दिखाते हैं। तो स्ट्रेस हर एक लेवल पे है। इसमें पिछले बार में पता है वीडियो में क्या हुआ, श्वेता का इंटरव्यू ले रहे थे तो सबने बोला कि सर आप कम बोलो, कैंडिडेट को ज्यादा बोलते। तो इस बार सारा मौका तुम्हीं को मिलने वाला है। हम स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि कौन कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर। तो सबसे पीटीजीएस के अंदर कौन कौन से किताबें फॉलो की? सर प्रीलिम्स में मेरा फोकस हमेशा से रहा है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में पहले एनसीईआरटी करना जरूरी होता है, क्योंकि जो बीपीएससी का भी अगर आप ट्रेंड देखिएगा तो साइंस के क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से कुछ के आ जाते हैं बहुत सारे। तो एक तो आपका एनसीईआरटी रहेगा, इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन और एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाते हैं। और चूंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए फिर मैंने लूसेंट प्रेफर नहीं किया था, मैंने लूसेंट की जगह पे मनोहर पांडे आती है किताब अरिहंत की, तो उसको मैंने रेफर किया था क्योंकि उसमें बहुत ही कॉन्साइज तरीके से सब कुछ दिया हुआ है। तो एक फायदा उसका मिला था मुझे, क्योंकि क्विक रिविजन के लिए अगर देखा जाए तो वो सबसे अच्छी चीज किताब है, और प्रीलिम्स में जितना ज्यादा रिविजन अगर करें तो उतना अच्छा है। साथ के साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि बीपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। और प्लस के साथ के साथ मैंने जो ऑप्शंस रहते थे ऑप्शंस को भी मैं अलग से एनालाइज कर लेता था, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन जो ऑप्शंस होते थे ऑप्शन से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते एग्जाम में। ये एकदम से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शंस से क्वेश्चन बनता है। जी सर, क्योंकि हम लोग करते क्या है कि हम लोग चार ऑप्शंस को देखते हैं, जो सही होता है उसको सिर्फ टिक करके और छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन अगर दिए हैं तो कुछ उसका रीजन होगा। और मुझे ये बताओ डिवीजन करना, इसमें किस क्वेश्चन बैंक का यूज किया था बीपीएससी के लिए? सर क्वेश्चन बैंक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो केबीसी नानो का लिया था, केबीसी नानो का उन्होंने सॉल्व वाला दिया था, एक तो वो सोर्स था। प्लस मैंने हिंदी के घटना चक्र का भी एक प्रीवियस ईयर आता है बीपीएससी का, जो जिसमें मतलब केबीसी नानो वाले में मुझे एक्सप्लेनेशन उतना सटीक नहीं लगा था, पर घटना चक्र वाले में उन्होंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है। जी सर, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का, और मेनली अगर घटना चक्र देखा जाए तो मेन फोकस अगर करना है तो वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये दोनों तो सबसे जरूरी है, और साइंस का है, क्योंकि साइंस में भी बायोलॉजी के क्वेश्चन अगर देखा जाए तो घटना चक्र से काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। रिवीजन का कितना इम्पोर्टेंस? सर प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो रिवीजन ही सब कुछ है, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स का रिवीजन और बाकी सारे क्वेश्चन का आपने रिवीजन नहीं किया तो इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो वही है कि अगर रिवीजन नहीं किया तो फिर आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे, और एक दो मार्क्स का भी फेयर होता है तो फिर प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। अच्छा, एक और सवाल अक्सर है स्टूडेंट के मन में होता है कि कितने घंटे की पढ़ाई सही होती है कि हम इसमें एग्जाम निकाल लें? सर मेरे ख्याल से घंटा काउंट नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि घंटा काउंट नहीं करना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना इनग्रॉस होकर खुद को मतलब खुद से पढ़ते हो।
मेरा कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं 8 घंटे टारगेट करके चलता था, आवाज कट रही है मैं हमेशा आकाश, से पहले आशीष आवाज कट रही है, हाँ हेलो नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ बताओ, अभी जी सर, ठीक है? जी सर मेरा योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बता रहा है। तो मेरा हमेशा से फोकस ये रहा है कि हम जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं टारगेट पहले से सेट करता हूँ कि मुझे क्या खत्म करना है। अब उसके लिए मुझे 4 घंटे बैठने पड़े या फिर 8 घंटे या 10 घंटे, वो डिपेंड करता है। पर अगर मैंने कुछ उठाया है तो उसको मैं फिनिश करके ही उठता था। मतलब एक उसके लिए प्रोग्राम मुझे रूटीन, खाना, एक रूटीन होता था, टारगेट होता था, है ना? जी सर जी सर, मतलब पहले से मैं सेट कर लेता था कि इतने सारे टॉपिक्स जो है उसको इतने दिनों में फिनिश करना है। तो उसका फायदा ये होता था कि मेरा सब कुछ पहले से फिनिश होते रहता था। मेंस के अंदर कैसे तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी थी? सर मेंस का मेन फोकस मेरा रहा है कि मैं सबसे पहले सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि कौन से एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और जो सिलेबस है, सिलेबस हमारे लिए गाइडिंग लाइट की तरह है, जैसे प्रियम्बल है तो उसी तरीके से आप बोल सकते हैं। तो वो एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करता है हमारे लिए। और नॉर्मली देखा जाए तो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि कौन से एरिया पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है। तो प्रायोरिटी अगर बनानी है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनेगा, और सिलेबस से फोकस कर सकते हैं। साथ के साथ मेंस में मैंने क्या किया था, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट किया था। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली बाकी लोग खुद से नहीं करते अटेम्प्ट, और वो जो पहले से दिया रहता है मॉडल आंसर उसको कर लेते हैं। पर मॉडल आंसर जो बुक में होता है वो परफेक्ट नहीं होता, तो उसमें हम अलग से बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे इवन अगर आप मतलब बुक का ही देखा जाए तो केवी श्रीनाथन भी अच्छा उन्होंने आंसर दिया, पर उसमें फ्लो चार्ट्स नहीं है, डायग्राम्स नहीं है, तो वो हमें अलग से डालने पड़ते हैं। और खासकर मेरे ख्याल से बहुत कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है उसमें भी। तो अगर खुद से आंसर लिखा जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो आपके 60 to 70 आपके वो हो जाएंगे, मतलब कवर हो प्रिपरेशन हो जाएंगे। जाएगी। जी सर, और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मुझे याद है कि मैंने आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था ज्योग्राफी का, तो उससे मुझे ऑप्शनल का एक अच्छा खासा बेस मिल गया था। क्योंकि 64th के पहले मेरा जो 63rd में जो मैंने मेंस लिखा था उसमें मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शन था, तो मुझे ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो जब मैंने आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो उससे उससे मुझे अच्छा खासा आकलन मिल गया था कि आखिर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपने जब उसको वो करके दिया था, चेक करके दिया था, तो उससे भी मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिल गया था। तो ये मुझे बताओ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है? सर दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखा जाए प्रीलिम्स में, जब तक आप बहुत सारे एमसीक्यूज खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक अगर देखा जाए तो आपकी आप पहली चीज कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। क्योंकि हम पढ़ने को सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर जब तक एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तब तक हमारी हमारा टेस्ट नहीं होगा कि हमने कितना पढ़ाई किया। तो प्रीलिम्स के लिए ये हो गया। और सर मेंस में इट इज ऑल अबाउट कि अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो 3 घंटे में आपको 8 क्वेश्चंस लिखने हैं, जो कि 22 मिनट्स में एक क्वेश्चन लिखना होता है। तो मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ, मेरे साथ 63rd में ये हुआ था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो मेरा हाथ नहीं चल रहा था एग्जाम में। तो वो भी जरूरी है कि हाथ चले हाथ आपका, कभी तो चलता उसके भी है लिए तो जो लिखना है वो नहीं लिखना, हाँ कुछ और लिख देना है। यस सर, तो भाई हाथ हाथ चलना जरूरी है, और सही सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने मॉक टेस्ट में लगाए थे अलग अलग सोर्सेस से, तो उसका मुझे फायदा मिला था एग्जाम में। क्योंकि क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो वो आप बहुत जल्दी से लिख लेते हो, 22 मिनट की जगह पर 15 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, वर्ड लिमिट यहाँ पे एक मायने रखता है ना, बार बार आता है कि जितना मन करता है लिखो, या वर्ड लिमिट क्या क्या फॉलो किए थे वहां पे? सर मेरा देखिए पहले से मुझे आइडिया था, 63rd में मुझे आइडिया नहीं था, पर 64th में मुझे आइडिया लग गया था कि 36 पेजेस हैं। तो 36 पेजेस का मतलब है अगर आप 4 पेजेस लिखेंगे तो 32 पेजेस होंगे, और अगर आप 5 पेजेस लिखेंगे तो 40 पेजेस हो जाएंगे। दिस मीन्स कि आपको हर एक क्वेश्चन को 4.5 पेजेस में फिनिश करना है, अगर टू द पॉइंट देखा जाए तो। तो अब वर्ड लिमिट तो मैं नहीं बोलूंगा, पर क्योंकि जो लिखने का तरीका होता है लोगों का, वो कुछ बड़े बड़ा बड़ा लिखते हैं, कुछ छोटा छोटा लिखते हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा, जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, तो खुद से आइडिया लग जाएगा कि हमें कितना कंटेंट को लिखना है। और जब मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था तो मैं क्वेश्चन को बाइफर्केट करता था, तोड़ देता था, मतलब अगर 3 पार्ट्स है तो पार्ट्स में बांट के तब फिर उसको एड्रेस करने की कोशिश करता था। तो उससे होता क्या कि क्वेश्चन को आप सही से एड्रेस भी कर लेते हो और आंसर भी अच्छा लिख जाता है। ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी था, जी ज्योग्राफी में सर, कौन कौन से किताब को फॉलो किए? सर बेसिक तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मैंने यूपीएससी वाले किताब ही फॉलो किए थे। मैंने कोई नोट्स फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ सिंपल सा मेरा फंडा था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाया, मैंने ये सिलेबस सबसे सही उठाया, तरीका है।
मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, मैंने सिलेबस उठाया और दोनों को उठाकर फिर मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने क्या किया था, 60-62 से, मतलब 63rd भी था और 62nd, इसके क्वेश्चन से मैंने शुरू किया और मैं जितने पीछे तक जा सकता था सारे के नोट्स बना लिए। और जब एग्जाम में गया तो एग्जाम में और साथ के साथ मैं सिलेबस को भी रेफर कर रहा था। ऐसा नहीं है कि सारे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करूँ, मैं सिलेबस को भी कर रहा था। कुछ एक क्वेश्चन अगर छूटता तो उसको मैं बना लेता। तो मेरे पास दो बुकलेट ऐसे हो गए थे जिसमें मेरा पूरा ज्योग्राफी का नोट्स था, तो बस उसको मैंने कर लिया। और फाइनल जब रिवीजन कर रहा था तो उसमें उस टाइम पे मैंने फ्लो चार्ट्स बहुत सारे बनाए थे। 40 पेजेस का एक नोट्स बना लिया था और उसमें सिर्फ फ्लो चार्ट थे सारे क्वेश्चन के। तो उसका फायदा मुझे ये मिला था कि एग्जाम टाइम पे वो हो गया था, उसको रिविजन करना काफी आसान हो गया था मेरे लिए। मैंने बहुत जल्दी अपना पास कर नोट्स लिया। बनाना कितना मायने रखता है अब बताओ, सर अपना नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मेरे से पूछा जाए तो, है ना? सबसे क्योंकि इम्पोर्टेंट जी सर, क्योंकि अपना नोट्स अगर नहीं होगा तो आप बुकिश लैंग्वेज वहां लिख के आओगे विच इज नॉट डिजायर्ड, वहां पे नहीं मांगा जाता है। आपको अगर आंसर लिखना है तो आपके अपने वर्ड्स में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर बीपीएससी का इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली पढ़ा होगा जो मेंस के पहले पेज में दिया रहता है जो आंसर है आंसर में, कि आपको अपने वर्ड्स में अपना विचार अच्छे से प्रेजेंट करना है, अपना ओपिनियन देना है, तो बुकिश लिखने की जगह पे अगर आप खुद से लिखेंगे तो वो आंसर एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आएगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है। बिल्कुल सही हो। अब इस बीच में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू कमर, जी सर और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बार क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रेस का जी एक सर दौर होता है, कैसे वो जी सर लोग मैनेज करें? सर स्ट्रेस का तो देखिए दो सोर्सेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, दो नहीं तीन रहे हैं। कि एक तो रहते हैं आपके आपकी फैमिली, मतलब पेरेंट्स वगैरह, जो उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे मैं बहुत ज्यादा परेशान होता था तो मैं अपनी माँ को फोन करता था और उनसे बात करता था, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था क्योंकि माँ को समझ में आता है कि बिल्कुल मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एक तो सोर्स वो हो गया स्ट्रेस को मैनेज करने, दूसरा फ्रेंड्स होते हैं। आप अपना अगर अच्छा सर्कल है आपके पास तो अगर आप उनसे डिस्कस करोगे या फिर उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करोगे तो वो एक सॉल्यूशन होता है। साथ के साथ तीसरा सोर्स मेरे ख्याल से होता है कि आप खुद को कितना इंगेज रखते हैं। जैसे इवन अगर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो फनी वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, तो उससे भी थोड़ा बहुत इंसान चीयर अप होता है, और जितना ज्यादा चीयर अप रहेगा उतना अच्छी पढ़ाई होती है। तो दोस्त से याद आया कि ग्रुप डिस्कशन का वैल्यू है या नहीं? जी सर है, डेफिनेटली है। ग्रुप डिस्कशन का फायदा क्या होता है कि जैसे मेरे मेरे फ्रेंड्स थे, तो जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही थी तो हम लोग एक टॉपिक को लेते थे और उसमें व्यूज देखते थे कि सबका कितना कितना व्यूज आ रहा है। तो उसमें फायदा क्या होता था कि अगर किसी को दो टॉपिक दो पॉइंट्स पता है और किसी दूसरे को दो अदर पॉइंट्स पता है तो तीसरे को चार पॉइंट्स पता चल जाते थे। सबको तो इसका मिलकर फायदा सबका जी सबका जो भी कमी था वो सर पूरा हो जाता है उसको। जी सर सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी होती है। चलो, और तैयारी हैंडराइटिंग के बारे में भी अक्सर, हाँ लोग अच्छा अंडरलाइन किए थे, कुछ किए थे उसमें डेंस के और बारे सर मैंने ज्यादा अंडरलाइन नहीं किया था, मैं सिर्फ जो हेडिंग वर्ड्स होते थे उसको मैंने अंडरलाइन किया था। और साथ के साथ मैंने सर एक नया इजाद किया था, बबल डायग्राम। पता नहीं वो पहले से था शायद, पर मैंने बबल डायग्राम बहुत सारा यूज किया था। मैं क्या करता था कि बीच में गोल बनाकर फैक्टर्स लिख देता था और डैश जैसे सन की रेज निकलती है वैसे निकालकर और फिर क्लाउड की तरह दिखाता था उसको, तो पॉइंट्स। वो काफी। अच्छा, जी सर चलो एक तो आपने चेक किया था, आपने मेरी कॉपी चेक की थी तो उसमें था नहीं, वो। हमको याद आ गया, याद आ गया। ठीक जी है, सर नहीं ये मुझे लगता है कि बिहार के खासकर बीपीएससी के मेंस के पेपर में ना फ्लो चार्ट का बहुत रोल है। जी सर यूपीएससी में नहीं भी डालेंगे तो ठीक है चलेगा, लेकिन बीपीएससी जी में सर नहीं डालने पे लगता है कि स्कोर कहीं ना कहीं कम हो जाता है उससे। जी सर और उसको डिफाइन करने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर आपने फैक्टर्स को एक जगह लिख दिया और एक डायग्राम के तौर पे, और उसके बाद उसको आपने एक्सप्लेन किया, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ आपने पढ़ा है सब कुछ और उसका आप एक्सप्लेन भी कर रहे और प्रॉपरली। उसके बाद होता है क्या, जैसे मान लो पेज समाप्त हो रहा है तो जी डायग्राम सर में अगर लिखा हुआ है पेज समाप्त हो रहा है, हो सकता है पॉइंट को डील ना कर पाए, तब भी सामने जी वाले को सर लगता है इसको पता है जगह खत्म हो गई तो चलो काम कर, लेकिन वो स्कोर दे देता है उस पर जी डायग्राम सर जी रहता सर है। जी सर और क्या सजेशन देना चाहोगे नए स्टूडेंट को? अब तो सक्सेस कर गए सर तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है ना सक्सेसफुल स्टूडेंट का पड़ता है ना, जी तो सर क्या सजेशन है? सजेशन यही रहेगा कि आप खुद से झूठ ना बोलें। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि मैक्सिमम जो लोग पढ़ाई करते हैं तो वो लोग होता है कि जैसे टाइमर लगा लिया 8 घंटे का और 8 घंटे पढ़ रहे हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं है। तो खुद से अगर ऑनेस्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्वालिटी अगर देखा जाए तो ऑनेस्टी ही है। अगर किसी भी सिविल सर्वेंट में रहता है तो ऑनेस्ट, प्रेजर्वेंस और हार्ड वर्क, ये तीनों चीज है। तो ये तीनों चीजों से अगर नया स्टूडेंट भी करता है तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और इट इज ऑल अबाउट कि आप धीरे से स्टार्ट करो, क्योंकि ये मैराथन है, मैराथन की तरह ही है। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे करते आगे बढ़ते जाओगे, स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी और रेस भी कंप्लीट हो जाएगा। और पता है जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें अक्सर, हाँ क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं ना, उनको जो नहीं आता है ना उसको छुपा लेते हैं, जी सर वो अगर बताने और एक्सेप्ट करने लगेंगे ना तो उसी दिन उनकी कमी दूर हो जाएगी।
कुछ फैक्ट नहीं पता है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो डिस्कस नहीं करेंगे, वो सोचेंगे चलो दब जाते हैं लेके उसको, तो उसका असर एग्जामिनेशन हॉल में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं खुल के अपने कमियों को और गलतियों को अगर एक्सेप्ट किया जाए ना, तो उसको दूर करके बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, और क्या कुछ, तो नॉर्मली सब यही सब होता है। बस इजिली हम जी सर, सजेशन ले रहे हैं कि एटलीस्ट स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि आके जो सिलेक्शन लेते हैं, जो टॉप करते हैं, उनका क्या एटीट्यूड होता है, उनके पास एक प्रॉपर मैसेज जाना चाहिए। अच्छा, करेंट अफेयर्स कैसे किए? ये करेंट अफेयर्स ना स्टूडेंट के बीच में नेशनल इंटरनेशनल समस्या आई थी, हर एक परेशान है करेंट अफेयर्स को लेकर। क्या होना चाहिए बताओ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में? ठीक है सर। सर प्रीलिम्स का तो मेरा एक डिफाइंड सोर्स ये था कि मैं जीके टुडे फॉलो करता था। जीके टुडे में जो जीके टुडे के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, उसमें होता क्या है कि फ्री पीडीएफ कभी कभी मिल जाते हैं बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो उनका पेड ऐप है वो खरीदना अच्छा होगा। 750 के अराउंड कॉस्ट करता है और वो दैट इज रीजनेबल, साल भर का मिल जाता है। और उसका फायदा यह है कि एक महीने का करीब आपको 500+ आपके एमसीक्यूज मिल जाते हैं। तो एक तो सोर्स वो हो गया। दूसरा सोर्स मैं एक एक्स्ट्रा सोर्स ये रखता था क्योंकि जीके टुडे जो है वो बिखरा होता था, वो दिन बाय डे बाय डे रहता था। तो उसके अलावा मैं जैसे मुझे याद है कि एक मैगजीन हिंदी की मैगजीन स्पीडी की मैगजीन है, तो स्पीडी की मैगजीन में वो क्या करते हैं कि जो रैंकिंग्स है उसको एक जगह टाइम टेबल बना के दे देते हैं। तो उसका फायदा क्या होता है कि आपने एक तो पढ़ तो लिया महीना महीना का, पर उसके बाद आपने जब रिविजन किया तो उसमें आप देखोगे तो उसको आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा, सारे रैंकिंग्स एक जगह मिल जाएंगे। तो ये प्रीलिम्स के लिए मैंने किया था। और मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है, मतलब मुझे याद है कि मैंने जीके टुडे शायद 5-6 बार रिवाइज किया था अलग से, और एग्जाम के एक दिन पहले तो पूरा पढ़ना ही होता है, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा रिटेंशन होगा। और ये प्रीलिम्स का था, प्रीलिम्स के लिए मैंने ये किया था। मेंस के लिए मेरा स्ट्रैटेजी ये रहा था कि मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ, मतलब एडिटोरियल तो मैं रोज पढ़ता हूँ चाहे जो हो जाए। तो एडिटोरियल का मुझे फायदा क्या होता है कि मुझे एक फ्लो समझ में आता है कि आंसर को कैसे लिखना है। और 63rd में मुझे याद है कि एक क्वेश्चन आया था रोहिंग्या पे, और रोहिंग्या पे उन्होंने पूछा था कि चार कंट्रीज का, जैसे उसमें इंडिया का स्टेक पूछा था, म्यांमार का स्टेक पूछा था, चाइना का और बांग्लादेश का, और सेम एडिटोरियल मैंने पढ़ा था हिंदू में, सेम एडिटोरियल। तो वो क्वेश्चन मैंने बहुत ईजिली हैंडल किया था। प्लस एक और सोर्स है, मतलब इसमें देखा जाए तो जो कंपाइलेशन आती हैं, मतलब पूरे साल भर की कंपाइलेशन आती हैं, जैसे केबीसी नानो भी कंपाइलेशन निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो नेशनल वाले और इंटरनेशनल वाले वो सब सब कुछ एक जगह देते हैं। और प्लस वो सॉर्टेड आउट तरीके से देते हैं, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बेकार बेकार घटिया घटिया न्यूज भी डालेंगे, नहीं, जो इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट जो एरियाज है उसी से क्वेश्चन आता है, जो बड़े बड़े न्यूज होते हैं, बड़े बड़े न्यूज। तो मैंने वो किया था, और मल्टीपल रिविजन सारा है वही किया है। अगर आपने जो पढ़ा है उसको अगर आपने बबल डायग्राम में, फ्लो चार्ट में आपने कुछ छोटा सा बना लिया, तो वो रिविजन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। साथ के साथ एक और सोर्स सर मेरा था कि मैं विजन की जो मंथली मैगजीन आती है उसको भी मैं उसमें सिर्फ बड़े बड़े टॉपिक पढ़ता था, मतलब ऐसा नहीं कि 90 पेजेस की पूरी मैगजीन पढ़ता था, उसमें जो बड़े टॉपिक जैसे गगनयान आ गया इसमें, या मिशन इसमें क्या शक्ति आ उसको, गया। मतलब उसको अलग करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नए जी फ्रेशर सर, के लिए, उनको लगता है ये जी सर, सब इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो जी थोड़ा सर, सा उलझ जाते हैं जाके वहां पे। जी सर। पर सर उनको भी थोड़ा बहुत गाइड, मतलब थोड़ा सा तो गाइडेंस अगर वो सीनियर से ले सकते हैं तो वो बेटर होगा। साथ के साथ अगर वो खुद से भी एनालाइज करेंगे ना प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो खुद से पता चल जाएगा उनको कि कौन से एरियाज को पढ़ना है कौन सा नहीं प्रीवियस पढ़ना ईयर है। बहुत ही मायने रखता है, मतलब जी सही सर, डायरेक्शन में पढ़ाई करने के लिए ना बहुत मायने रखता है। अच्छा, एक और लास्ट ये बताओ कि अभी एक ट्रेंड है कि इतनी सारे, अभी जैसे बात में पता चला कि बहुत सारा फ्री ग्रुप है, टेलीग्राम पे जी है, सर, व्हाट्सएप पे है, अलग अलग जगह, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इधर से कुछ ले लिया, जी कभी सर, उधर से कुछ ले लिया, और इस चक्कर में वो पूरा कलेक्ट तो कर लेते हैं स्टडी मटेरियल, 5-5 हजार पेज का, 10-10 हजार पेज का, और पता चलता है कि उसको वो प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं करता है, उसी के बीच में उलझ जाते हैं। तो कहीं ना जी सर, कहीं ये जो पेड ग्रुप की बात है, या कहीं ना कहीं किसी एक या दो जो सही ग्रुप लगे ना, मेरे हिसाब से उसको पकड़ के जी रहना सर, चाहिए, क्योंकि वहां टाइम जी भी सर, वेस्ट होता है और फ्रस्ट्रेशन भी काफी आता है। इसमें क्या सजेशन है ये बताओ? सर फ्री ग्रुप्स का प्रॉब्लम ये होता है थोड़ा सा, मतलब मैंने भी ज्वाइन किया था कुछ एक फ्री ग्रुप्स, उसमें क्या होता है कि उसमें ये कंसिस्टेंसी नहीं होती है। जैसे वो बोलेंगे कि आपको मैं 10 टेस्ट करवा दूंगा या फिर 10 क्वेश्चन रेगुलरली दूंगा, पर वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। अगर कंसिस्टेंसी हो तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं होती है। पेड ग्रुप्स में क्या होता है सर कि उसमें अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है, प्लस एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आप किसी चीज के लिए पे कर रहे हो तो देन यू आर ऑब्लाइज टू फॉलो दैट। तो ये भी एक एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आपने किसी के लिए पेमेंट किया है, जैसे मैंने अगर 1,000 रुपये दिया किसी टेस्ट सीरीज में, तो ये मन में रहता है कि यार मैंने मेरा 1,000 रुपये इन्वेस्टेड है, तो उस हिसाब से भी एक मोटिवेशन आ जाता है कि अरे मुझे उसके लिए थोड़ा एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल सीरियस जाता होके करना है काम। जी
जी सर हाँ, और प्लस सर अकाउंटेबिलिटी सर स्टूडेंट की साइड से नहीं होती है, टीचर के साइड से भी होती है, क्योंकि चूंकि पेड सीरीज चल रहा है तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो सारा कुछ सही से करके दे और प्रॉपरली जो फॉलो करना होता है वो करके दे। तो मेरे ख्याल से पेड ग्रुप इस चीज में बेटर होता है, और प्लस कोई अगर पेड ग्रुप चला रहा है तो इसका फायदा ये होता है कि वो सामने वाला ऑब्वियसली अच्छे से जानते हैं तभी तो वो चला रहे हैं, तो वो भी अकाउंट का दूसरा मतलब काम करता ये है। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि कुछ जिधर भी आप रहे, पेड पे रहे या फ्री पे रहे, जो अच्छा लगता हो ना एक दो उसको पकड़ के रहे। मतलब 10 जगह ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं कहीं, तो वहां पे इंडियन एक्सप्रेस भी ले रहे हैं, दैनिक जागरण भी ले रहे हैं, सारा न्यूज़पेपर पता चलता है कि डाउनलोड कर लिया एक दिन में, अब सारे न्यूज़पेपर को पढ़ना पॉसिबल है। और कमाल की बात पता है क्या, कुछ पेड ग्रुप में सारे न्यूज़पेपर आ गए, अगर गलती से एक दो छूट गया तो मैसेज आता है, अच्छा सर आपने ये बता न्यूज़पेपर डाला ही नहीं। ऐसे स्थिति में स्टूडेंट क्या होता है, भटक के अपना टाइम बर्बाद कर लेता है। और सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है, हल्का लग रहा है मन, काफी अच्छा लग रहा होगा? हाँ सर, सर थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। कल तो जब रिजल्ट फाइनल आया था तो मैं थोड़ा टेंशन में था कि मैंने पीछे से देखना स्टार्ट किया था, मैं लास्ट से देख रहा था, तो मुझे 15-20 मिनट तो लग गए मुझे ढूंढने में ही। जब मुझे सेकंड या थर्ड पेज पे मुझे मेरा नाम मिल गया तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सांस लेकर फिर तब मैंने घर पे फोन किया था। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सिलेक्शन के बाद, और खास करके अपने माता पिता को बताना, एक प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम में, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अभी कहाँ, इंदौर में हो? जी सर अभी इधर ही हो, अब फाइनल जब जॉइनिंग आ जाएगी तो फिर मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। वही बेडिंग पैक करने का टाइम आ गया है। बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और टाइम टू टाइम जो है ना जब भी होगा गाइड करते रहना है स्टूडेंट को, जो भी नए आ रहे हैं ना न्यूकमर उनको करते रहना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट आगे के फ्यूचर के लिए, और फिर हम लोग बात करते हैं ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर।